से शुरुआत करते हैं। फिल्म आपकी रिलीज हो रही है सबका बाप अंगूठा छाप, कितनी एक्साइटेड है और फिल्म को लेकर क्या कहेंगी? सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। एंड मैं एक अरसे बाद, थोड़ा वक्त लगा ये फिल्म आने में, बट आई एम सुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड कि हमारी ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन फिल्म जो कि पराग सर के निर्देशन में बनी हुई है, जिसके प्रोड्यूसर हैं मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रदीप सर, जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, और बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट, बहुत ही अमेजिंग फिल्म, अलग कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारे हीरो हैं मिस्टर दिनेश लाल यादव जी निरवा, एंड बहुत ही अच्छा हम लोगों का समय रहा है ये फिल्म करते हुए। बहुत ही मज़े लेके हमने काम किया और पता ही नहीं लगा कि इतने दिन का शेड्यूल कैसे यूं निकल गया। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, अगर थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस? यही 13 तारीख को फिल्म सबका बाप अंगूठा छाप रिलीज हो रही है, और मैं चाह रहा हूँ सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि जाके सिनेमा घरों में इस सिनेमा का मज़ा लीजिए, और यकीनन एक अच्छा सिनेमा, अच्छा पारिवारिक सिनेमा आप लोगों के सामने समक्ष आएगा। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि इस फिल्म से पहली बार मैं अक्षरा जी के साथ और दिनेश लाल यादव जी के साथ में काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं दोनों जगह पर मैं अपने आप में लकी हूँ, क्योंकि ये दोनों पेयरिंग भी मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद स्क्रीन पे आ रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ जी। इसके पहले बहुत अरसा हो गया होगा ये इस पेयरिंग को एक साथ आके, तो बहुत दिनों के बाद ये पेयरिंग भी आ रही है दिनेश जी की और अक्षरा जी की, और मैं लकी हूँ एज ए निर्देशक कि मैं दिनेश जी के साथ और अक्षरा जी के साथ ये फिल्म किया सबका बाप अंगूठा छाप। शर्मा जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं फिल्म की रिलीज को लेकर, कहां-कहां रिलीज कर रहे हैं, किन स्टेट्स में, कितने थिएटर, कितने स्क्रीन? देखिए, स्क्रीन का तो जहां तक सवाल है कि लास्ट डेट कोई पता चल पाता है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हुई हैं। निशांत उज्ज्वल जी ने इसको रिलीज किया अपनी कंपनी आरपीएफ इंटरटेनमेंट के माध्यम से, और जहाँ तक कल भी रात में मेरी बात हुई, सुबह भी हुई है, जितने भी थिएटर हैं भोजपुरी जहाँ लगती है वहाँ सब जगह लग रही है। अक्षरा जी, आपके अगर किरदार के बारे में कुछ बताएं, किस तरह का किरदार निभाने वाली है इस फिल्म के अंदर, और क्या क्या तैयारियां की थी आपने किरदार के लिए? किरदार मेरा बहुत ही और फिल्मों से बहुत अलग है, प्रॉपर गाँवटी एक महिला है जिसका मैं किरदार निभा रही हूँ, और जो कि बहुत इनोसेंट भी है और बहुत केयरिंग भी है अपने पति को लेकर, एंड बहुत ही ट्विस्ट है कहानी में, और बहुत मज़ा आया मुझे इस तरीके का किरदार करते हुए। एंड कहीं कहीं कॉमेडी है, कहीं पे फुल इमोशंस है, फुल ड्रामा है, तो बहुत मज़ा आया है। अक्षरा जी, हमने देखा कि आप प्रोजेक्ट्स को लेकर थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद प्रोजेक्ट्स कर रही है, तो क्या ये इंटेंशनली डिसीजन है कि थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद, या फिर चूजी हो गई है आप प्रोजेक्ट्स को लेकर? आई थिंक कह सकते हैं चूजी या इंटेंशनली ही कर रही हूँ डेफिनेटली, बिकॉज मुझे बैक टू बैक वो लाइन नहीं लगाना है, मुझे फिल्में करनी है, चूज करके करनी है, जो मुझे किरदार करने का मौका नहीं मिला आज तक वो मैं करना चाहती हूँ, जो अब तक वैसी फिल्में नहीं ऑफर की गई, अब मुझे वैसी फिल्में करनी हैं, और मैं बहुत चूज़ कर करके सब्जेक्ट कर रही हूँ, जिनमें से एक ये है। आई एम सो लकी, सर ने बोला ही इज़ लकी, मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि इन्होंने मुझे उस काबिल समझा कि ये फिल्म दिया, एंड मैं छोटी सी हिस्सा बन पाई इस फिल्म की। आई एम हैप्पी एंड उम्मीद करती हूँ दर्शकों को बहुत पसंद आएगा ये किरदार। अक्षरा जी, आपने एक बार फिर से दिनेश जी के साथ काफी समय के बाद काम किया है, निरहुआ कुछ बदले से है? निरहुआ वैसे ही है जैसे पहले थे। बदलेंगे क्या, हम लोग सह कलाकार हैं, और उनका बिहेवियर शुरू से, डे फर्स्ट से जो देखा है हम लोगों ने, वैसा ही रहा है बर्ताव सबसे, वैसे ही हम्बल, वैसे ही प्यारे, सबको प्यार देना, सबको सिखाना, कि नहीं सीन के लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, वो हम सब डिस्कस करते थे एक साथ, अच्छे से, अच्छे वे में, बहुत पॉजिटिव तरीके से, तो बहुत मज़ा आता था, और अब भी मज़ा आता है उनके साथ काम करने में भी और मिलने में भी। अक्षरा
पाटिल साहब, अक्षरा सिंह के साथ आपने पहली बार काम किया, इन्हें पर्दे पर निर्देशित करना कैसा अनुभव था? बहुत ही सुखद था। ये कहूँगा सच बोलना सर, सच्ची कह रहा हूँ कि बहुत ही सुखद था। और जिस तरीके से मैंने काम किया अक्षरा जी के साथ में, जो टाइम टू टाइम सेट पर आना, उसके बाद में एक निर्देशक के लिए कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारा इनपुट्स लेके आते हैं, तो कभी कभी उस इनपुट्स को हम लोगों को लेना भी होता है, कभी कभी हम नहीं भी लेते। लेकिन जब नहीं लेते तो बहुत सारे आर्टिस्टों को, कलाकारों को शायद से चीज़ों को माइंड कर जाते होंगे कि ये मेरी बात ऐसे डायरेक्टर ने रखी या नहीं रखी। तो अक्षरा जी एक वो आर्टिस्ट में से है कि जो ये बातें बिल्कुल नहीं माइंड करती। एट द एंड ऑफ द डे जब कोई सजेशन आता है, तो जब एक डायरेक्टर कहता है कि अक्षरा जी मुझे लग रहा है कि मैंने ये ऐसे डिज़ाइन किया है, तब अक्षरा जी का बस एक ही कहना, अच्छा सर आप क्लियर है ना आपके विजन में, ओके डन चलिए करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी बात है अक्षरा जी में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बतौर निर्देशक मैंने जब इनके साथ काम किया तो मैं खुद काम करना चाहता था, और जैसे कह रही हैं कि अभी फिल्मों की ये लाइन नहीं लगा रही है, लेकिन सारे प्रोड्यूसर्स और सारे डायरेक्टर्स इनके पीछे लाइन लगा कर बैठे हुए हैं कि अक्षरा जी हमारी फिल्म में कर दीजिए, और मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूँ। तो जल्द से जल्द मैं वापस सबका बाप अंगूठा छाप के बाद एक दूसरी फिल्म अक्षरा जी के साथ करना चाहूँगा। डेफिनेटली सर, आई वुड लव टू वर्क विद यू। अक्षरा जी, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आपने अभी हमने देखा, आप आते